गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आनंद केसरी। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है T.S. एलियट का कुछ पढ़ेंगे आगे, उसके बाद जहाँ तक पढ़े तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। जिसमें सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन जो है वो T.S. एलियट वाज बॉर्न इन। तो दोस्तों, ये कहाँ पैदा हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए थे। T.S. एलियट दोस्तों कहाँ पैदा हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, द क्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोयम। तो दोस्तों, जो ये क्रैब इमेज है वो हमारा कहाँ का कहाँ से है? वो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉग। नेक्स्ट है दोस्तों, द वेस्ट एंड ऑफ बाई T.S. एलियट वाज ए पोयम इज ए पोयम ऑफ। दोस्तों, उसमें कितने लाइन्स हैं? 430। कहीं कहीं दोस्तों 431 भी दिया हुआ है, तो 430 या 431 जो भी दिया रहेगा दोस्तों वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉग इज टेकन। तो दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? इन्फर्नो से। कहाँ से है दोस्तों? इन्फर्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक प्ले बाय T.S. एलियट। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा इनका नहीं है? तो इनका दोस्तों कोई नहीं है, नन, माने इसका आंसर हो जाएगा डी वाला आपका, इसमें कोई इनका सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑथर ऑफ द एसेज है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज। तो दोस्तों, ये जो है T.S. एलियट। नेक्स्ट है दोस्तों, द शेक्सपियरन जो है प्ले सीम्ड एन आर्टिस्टिक फेल्योर बाय T.S. एलियट इज। तो दोस्तों, ये कहाँ से है? हेमलेट से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड ए म्यूजिक ऑफ आइडियाज। तो दोस्तों, ये एलन टेट ने कहा था। किसने कहा था? एलन टेट ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामा बाय एलियट। तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा सही है? एस वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज रिटन द बुक आर्ट द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ T.S. एलियट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर सही है वो हेलन जो है गार्डिनर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दोस्तों, वेन वाज T.S. एलियट बॉर्न। तो दोस्तों, वो 1888 में, 1888 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, और कहाँ पैदा हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। विच ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ T.S. एलियट द वेस्ट लैंड। तो दोस्तों, जो उनका फर्स्ट था द बरियल ऑफ डेड। नेक्स्ट है दोस्तों, इन विच क्रिटिकल एसे डिड एलियट मेक द फॉलोइंग असेसमेंट स्टेटमेंट। द हिस्टोरिकल जो है सेंस कंपेल्स अ मैन टू राइट नॉट मेरली विथ हिज ओन जनरेशन इन हिज बोन्स बट विथ ए फीलिंग दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर हैज ए सिमुलेशन एक्सटेंस एंड कंपोज ए सिमुलेशन आर्डर। तो दोस्तों, इसमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एलियट्स कैरेक्टर्स इन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो दोस्तों, जो इसका आंसर सही है जे अल्फ्रेड ट्रूफॉग। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एंड एंड इन व्यू इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। हु सेड दिस। कौन कहा था दोस्तों? तो इस T.S. एलियट ने कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ T.S. एलियट्स द वेस्ट लैंड। तो दोस्तों, इसमें सी वाला है, द हालो मैन इनका नहीं है, बाकी इनका तीनों ये दिक्कत लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज प्रोफाउंडेड बाई, ये दोस्तों T.S. एलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने दिया है? T.S. एलियट ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब बाई T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? हेमलेट सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोयम ऑफ एलियट्स वाज पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स। तो दोस्तों, जो इसका आंसर सही है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉग। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, T.S. एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए
तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही है, कैथोलिक। नेक्स्ट है दोस्तों, हु सेड, कौन कहा कि पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग जो है लूज आप इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम जो है इमोशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना सही है, इलियट। नेक्स्ट है दोस्तों, इन द फैमिली जो है रीयूनियन बाय टीएस इलियट हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ही। तो दोस्तों ही थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, तो वह सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीएस इलियट गॉट द नोबल प्राइज इन, तो दोस्तों वो कब पाए थे, 1948 में उन्हें मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों कि हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो जो है कैथोलिक इन जो है रिलीजन। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो टीएस इलियट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।